दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एक मज़बूत बाइक ख़रीदना जो कि 110 सीसी में है और उसका माइलेज भी अच्छा हो और कुछ ऐसे स्पेशल फीचर जो किसी बाइक में देखने को नहीं मिलते हों, तो दोस्तों मैं इसी बाइक को आज आपके सामने रिव्यू के लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है TVS Radeon। 110 सीसी में है और दोस्तों सीधा ये चुनौती देती है हीरो वालों की जो स्प्लेंडर प्लस आती है उसको, और उस गाड़ी से क्यों ये बेहतर होने वाली है उस पॉइंट को भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को यार लास्ट तक देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। दोस्तों खुशखबरी आपके लिए बहुत खुशखबरी है। तो आपको मैं इसकी क्या खुशखबरी बताना चाहूंगा कि पहले जो ये गाड़ी आती थी वो लगभग 95,000 रुपीज में आती थी, लेकिन कंपनी ने इसके रेट अब पहले से काफी डाउन कर दिए, पूरे के पूरे 10,000 रुपए डाउन कर दिए हैं। तो बहुत बेहतर गाड़ी आपके लिए होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे सामने जो ये खड़ी है ना TVS Radeon 110 सीसी, वो हाल ही में लॉन्च 2023 की न्यू बाइक है जो कि E20 में देखने को मिलती है और ये BS6 फेस 2 गाड़ी है। अब ये गाड़ी और गाड़ियों से बेहतर क्यों है, सबसे पहला पॉइंट मैं सबसे पहले यही बता देता हूं आपको। दोस्तों, इस गाड़ी का आपको ग्राउंड क्लीयरेंस, जो ये आपका इंजन का और ज़मीन का नीचे का पार्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 180 mm देखने को मिलता है और बाइक्स वगैरह का देखोगे तो 165-164 ऐसा रहता है। यानी कि अगर आप ब्रेक वगैरह पे गाड़ी ब्रेकर वगैरह पे लगाओगे तो इसका इंजन आपका टच नहीं होगा। दूसरा आपका एडवांटेज, यानी कि अगर इस गाड़ी को आप खरीदोगे तो आपका माइलेज बहुत ज़बरदस्त होने वाला है इस गाड़ी के साथ। बेहतर कंडीशन में चलाओगे तो यार ये गाड़ी आपको 70-75 तक का माइलेज आराम से कोट कर देगी। प्राइस रेंज की बात करूं तो दोस्तों ये गाड़ी बेस मॉडल मेरे सामने खड़ी हुई है तो ये भी पहले से काफ़ी सस्ती हो गई है। तो इसका जो प्राइस है वो 85,000 रुपीस ऑन रोड प्राइस है। और ये कहाँ के प्राइस है, तो दोस्तों ये मैं वीडियो बनाने आया हूँ BS मोटर्स बूढ़े बाबा की पुलिया क्वारसी बाईपास रोड अलीगढ़ के, ये आपके ऑन रोड प्राइस हैं। अगर आपको भी इसकी टेस्ट ड्राइव या बेहतर डील चाहिए तो इस शोरूम पे विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मैंने दे दी है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा रिव्यू के तौर पर, तो इसके हैंडल बार और मीटर कंसोल से करूँगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा, तो इसके अंदर आपके 3 वेरिएंट आते हैं। एक ये तो बेस है, एक टॉप, उसका मिडिल टॉप, यानी कि जो बेस मॉडल है इसमें आपको एनालॉग में इसका मीटर देखने को मिलता है, जो मीटर कंसोल है। क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी की दिखा दूँ, तो इसकी की कुछ स्टेप्स होती है, मैं लगा कर दिखाऊँ। ये अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, क्या क्या मिलता है। फ्यूल गेज देखने को मिलता है, आपका साइड स्टैंड रिमाइंडर देखने को मिलता है, देखिए और साइड स्टैंड लगा होगा तो ये जलेगा। माल फंक्शन का आपका इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, 140 तक की इसमें स्पीड है, और आपका जो TVS का हॉर्स का लोगो है वो देखने को मिलता है, न्यूट्रल का, और ये देखो इंडिकेटर का, और हाई बीम लो बीम का भी इसके अंदर देखने को मिलता है, और आपका पावर वाला ऑप्शन देखने को मिलता है इसके अंदर। जैसे आप ज़्यादा एक्सेलेटर दोगे तो ये वाली लाइट इसमें ब्लिंक करेगी, काफ़ी बेहतर है। मीटर कंसोल सिंपल में और क्रोम की इसमें देखो फिनिशिंग की गई है मीटर में, मीटर भी काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है इसका। और आपका जो हैंडल बार है वो भी मतलब ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और जो थॉटल है इसका मतलब स्लिपरी नहीं है, मतलब पकड़ अच्छी है थॉटल की। और ये जो बटन आपको देखने को मिलता है, आप अपनी हेडलाइट को मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से बंद और खोल सकते हो, देखो ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और ये आ जाता है इसका सेल्फ, और ये आ जाता है हाई बीम लो बीम का, ये हेडलाइट का, ये देखिए हाई बीम लो बीम, और ये आ जाता है पासिंग का ये, और ये आ जाता है स्विच आपका इंडिकेटर। हॉर्न बजा कर दिखाऊं गाड़ी की, मैं एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाऊंगा, क्योंकि ये गाड़ी साउंड से भी और गाड़ियों को आपसे अलग करती है। यानी कि साउंड में भी इसकी काफ़ी मतलब कह सकते हैं बुलेट जैसी साउंड है, भट भट भट। और इसके मिरर्स की मैं बात करूँ, ये देखिए इसके मिरर्स हैं, ये देखिए काफ़ी मुझे प्रीमियम क्वालिटी के लग रहे हैं। फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं इसकी, देखिए यह रहता है ब्लैक कलर का वाइजर, यह रहता है TVS की क्रोम में 3D में ब्रांडिंग, और ये भी क्रोम से फिनिशिंग किया हुआ है। हैलोजन में इसकी हेडलाइट देखने को मिलती है, इंडिकेटर देखिए काफ़ी मजबूत और फ्लैक्सिबल हैं, हैलोजन में देखने को मिलते हैं। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यह रहते हैं इसके सस्पेंशन, जो कि टेलीस्कोपिक ऑयल डम्प शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन कहलाते हैं, और 18 इंच में इसका व्हील साइज और टायर साइज देखने को मिलता है, ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, आगे और पीछे 18 इंच का है, और मतलब ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों मुझे तो यार इसकी। याद आती है नंबर प्लेट लगाने की जगह। अब बढ़ते हैं साइड में,
गाड़ी का जो इंजन है वो डुअल टोन में देखने को मिलता है, आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से गोल्डन में और ब्लैक कलर में। और गाड़ी के जो सीसी है वो रियल जो सीसी है वो 109.7 सीसी की है, और जो इसकी बीएचपी है वो 8.08 बीएचपी की है, और जो टॉर्क है वो 8.7 एनएम की टॉर्क ये जनरेट करेगी। यह रहता है साइड स्टैंड, जो कि इंजन पावर कट वाला फंक्शन भी इसमें देखने को मिलता है, और ये इसमें जो मैनुअल गियर हैं वो 4 गियर पड़ेंगे, जो कि चारों के चारे आपके स्किप इससे पड़ेंगे, एडी से ऊपर की तरफ पड़ेंगे। चेन ड्राइव देखने को मिलती है गाड़ी के अंदर, और जो चेन कवर है वो फाइबर में देखने को मिलता है दोस्तों। ये आ जाता है टैंक, टैंक में जो तेल भरा जाएगा वो 10 लीटर भरा जाएगा, E20 में ही गाड़ी देखने को मिलती है, और टैंक के ऊपर ये पैडिंग है रबर की, यानी कि गर्मी वगैरह में आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी ये थाइज जो होती है वो जलेगी नहीं, और TVS की ये ब्रांडिंग आ जाती है जो कि 3D में है। इस प्राइस रेंज में ना दोस्तों, अगर आप दूसरी कंपनी में जाओगे ना तो यहाँ पर स्टीकर देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्रोम का फिनिशिंग में 3D में TVS लिखा हुआ देखा मिल रहा है इसके अंदर। सीट काफ़ी मतलब इस गाड़ी को और अलग बनाती है, कंफर्टेबल है, कटिंग में है, डुअल टोन में सीट देखने को मिल रही है। पीछे की तरफ बढ़ जाते हैं, ये देखिए सामान वगैरह रख सकते हो। ये आ जाता है इसका कैरियर, ग्रैब रेल, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, सारी गार्ड देखने को मिलता है, और पैर रखने की जगह, और ये भी आ जाता है फुटरेस्ट, और इसका जो गियर वाला फुटरेस्ट है वो फोल्डेबल है, और गाड़ी आपकी सेल्फ और किक दोनों से ही स्टार्ट होगी, ये देखिए। और क्रोम का काम बहुत हुआ है इस गाड़ी में, आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से, देखिए यह आ रहा था इसका आपका एग्जॉस्ट आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का, लेकिन उसको पूरी प्लेट क्रोम से पूरी तरह से कवर किया गया, क्रोम की प्लेट से, और ये पैर रखने की जगह यहाँ पर भी, और एक हैंडल भी पकड़ने के लिए दे दिया जाता है, आप मतलब कुछ और सामान वगैरह भी लटका सकते हो। ये देखिए यूटिलिटी के हिसाब से ये फंक्शन दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, और यह भी एक पैर रखने की जगह, जैसे आप जैसे कोई बैठा हुआ है, तीन लोग बैठे हैं तो यहाँ पर भी पैर रख सकते हैं, वैसे तो तीन लोग बैठना अलाउ नहीं है। पीछे की जो बैक लाइट है दोस्तों, ये देखिए जो कि हैलोजन में है, TVS का स्टिकर देखने को मिल जाता है, हैलोजन में ही पीछे के इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, नंबर प्लेट लगाने की जगह। इसका जो मदगार्ड है वो फाइबर में है, फ्लैक्सीबल देखने को मिलता है, और चलिए मैं दूर से दिखाता हूँ गाड़ी को, और गाड़ी काफ़ी दमदार लग रही है, ये देखिए मेरे सामने जो वेरिएंट खड़ा है ना, ये बेस मॉडल है, अगर आप चाहेंगे इसका टॉप मॉडल लेना तो दोस्तों उसका जो टॉप मॉडल है वो आपको पड़ेगा 95,000 रुपीज़ का। उसमें क्या क्या फीचर एड ऑन हो जाते हैं, उसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है और डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। बेस मॉडल में तो आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, लेकिन इसके जो ड्रम ब्रेक का साइज़ है वो आगे का 130 mm का है और पीछे का 110 mm का देखने को मिल जाता है। इसका जो गाड़ी का कर्व वेट यानी कि पूरा वेट होने वाला है वो 113 किलो का होने वाला है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी में कौन कौन से कलर, कौन से ब्लैक कलर देखने को मिलता है, रॉयल पर्पल, ग्रे कलर देखने को मिलता है, क्रोम ब्लैक, क्रोम ब्राउन, क्रोम पर्पल, ब्लू एंड ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक एंड स्टार लाइट ब्लू, तो कुल 10 कलर देखने को मिलते हैं। इस समय जो मेरे सामने गाड़ी खड़ी हुई है वो ब्लैक कलर की खड़ी हुई है, तो यार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगती है, और अगर आपको खरीदना है तो नियरेस्ट TVS के शोरूम पे विजिट करें, अगर अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो अलीगढ़ के इस BS मोटर्स शोरूम पे बेहतर डीलिंग के लिए आप विजिट कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है दोस्तों, इसके अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो यानी कि SBT सिंगल वाइप ब्रेकिंग सिस्टम कहलाता है वो, यानी कि अगर आप पीछे का ब्रेक दबाओगे ना तो आगे का ब्रेक भी कुछ परसेंट लगने वाला है, यानी कि कंट्रोलिंग इस गाड़ी में बेहतर होने वाली है। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।